अगर हम किसानों के कर्ज को कम करते हैं तो उनको कर्ज मुक्त किया जा सकेगा। अगर वह कर्ज मुक्त हो जाता है तो 2022 तक आर्थिकी मजबूत हो सकेगी और यह केवल शून्य लागत प्राकृतिक खेती से संभव है। ये बात राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने चौधरी सरवीन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि सांसद शांता कुमार विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर 8 छात्राओं को गोल्ड मेडल, 19 को मास्टर और 8 को पीएचडी और 346 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि किसान को बचाने के लिए शून्य लागत प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर नौणी में शून्य लागत खेती पर काम शुरू किया गया है, इस पर शोध कर रहे हैं। आज अस्पताल भरे पड़े हैं कैंसर रोगियों और दूसरे रोगियों से, क्योंकि खान पान में जहर जा रहा है। उससे बचने का तरीका प्राकृतिक खेती है। आप ऐसे बीज पैदा करें जिससे अधिक से अधिक पैदावार दे और किसान उनको दोबारा बीज सके। प्राकृतिक खेती को पालेकर से भी ज्यादा आगे बढ़ाओ। हमने अपने खेत के 50 एकड़ बंजर जमीन को पहले ही साल उपजाऊ बनाया और रिकॉर्ड बनाया। जिस खेती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3-0.4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की लैब की रिपोर्ट, उसी खेत का अगला साल का ऑर्गेनिक कार्बन 0.8-0.9 आप में एक भी साइंटिस्ट मानने को तैयार नहीं किया हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं गया, कि खेती आप करते नहीं, पढ़ाया आपको गया नहीं, जो किताब में लिखा वही आपने पढ़ लिया। और ये दोनों आंकड़े जो मैं दे रहा हूं, ये जब पहली रिपोर्ट आई वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की, अब उसी खेत का एक साल के बाद ऑर्गेनिक कार्बन जब हमने जीरो वेट खेती की, गौमूत्र की कृपा हुई और वही जीवामृत घन जीवामृत किया, एक साल में ऑर्गेनिक कार्बन 0.8-0.9, ये मेरे आंकड़े नहीं, आईसीआर गाजियाबाद की रिपोर्ट है, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की रिपोर्ट है, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की रिपोर्ट है, एक साल में किया। और आप करके देखो, आप इस पे तो रिसर्च करो, आप इस पे रिसर्च करिए ना, इससे कल्याण होगा लोगों का, भला होगा लोगों का। और ये जो सोच है ना कि हम रासायनिक खेती छोड़ देंगे तो लोग भूखे मरेंगे, उत्पादन घट जाएगा, ये आपकी सोच बना रखी है, इसके आंकड़े भी मैं आपको दे रहा हूं। इस साल पूरे हरियाणा पंजाब में, पूरे हरियाणा पंजाब में जो पैडी का उत्पादन है, धान का उत्पादन है, मोटी धान का, सरियाल साहब अभी मैं जाके आया हूं, मैंने पंजाब भी मैं गया हूं, अभी 3 दिन पहले मैं पंजाब था, 2 उससे पहले मैं हरियाणा में था, मैंने वहां किसान सम्मेलन किए, उनमें किसानों से मैंने पूछा अधिक से अधिक उत्पादन मोटी धान का कितना इस साल हुआ, आम उत्पादन कितना, तो वहां रिपोर्ट थी किसानों की कि 22 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ खूब यूरिया डीएपी डालने के बाद हमारा उत्पादन 22 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ। ये रासायनिक खेती है। और मेरा उत्पादन पता कितना हुआ? मेरा उत्पादन 32 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ। ये 32 क्विंटल प्रति एकड़, आप सोचो इस बात को, जिस खेती के लिए आपने 15,000 रुपए पहले यूरिया पेस्टिसाइड डीएपी डलवाए, उसका उत्पादन 22 से 28 क्विंटल है, मैंने 1 रुपए का खाद नहीं डाला यूरिया डीएपी, वो केवल जीवामृत घन जीवामृत डाला, वो 32 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ है। नंबर 2, बासमती का उत्पादन हरियाणा पंजाब का इस साल का उत्पादन 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ है और मेरा उत्पादन 12 क्विंटल प्रति एकड़ है। तो बताइए, आपकी समझ में क्यों नहीं आती जी ये बात?
कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने कहा कि हमारी सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के नाम पर 25 करोड़ का प्रावधान रखा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जहर मुक्त खेती हो इसके सरकार प्रयास कर रही है। हमने प्रतिबंध लगाने की बात तो नहीं की, इस बार विभाग ने रासायनिक कीटनाशकों की खरीद नहीं की है। रासायनिक कीटनाशकों पर प्रतिबंध एकदम से तो नहीं हटेगा, परंतु 2022 तक हिमाचल प्रदेश के रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती में जब उतरेंगे तो निश्चित तौर पर ये चीजें खत्म हो जाएंगी। कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने कहा कि धीरे धीरे सब जगह कोल्ड स्टोर खोले जाएंगे। वहीं सांसद शांता कुमार ने सिक्किम की तरह प्राकृतिक खेती को अपनाने का सरकार से आह्वान किया। आपने ठीक कहा, निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने, आदरणीय ठाकुर जयराम जी की सरकार ने इस बार प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के नाम पे 25 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। हमने शुरुआत की है कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जहर मुक्त खेती यहाँ पर हो। हमने प्रतिबंध लगाने की बात तो नहीं की, हमने कहा जो इस बार हमारे एग्रीकल्चर विभाग हॉर्टिकल्चर विभाग में जो हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड 5-6 करोड़ का खरीदे थे, इस बार हमने वो खरीदा नहीं है। हम चाहते हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है ये चीजें प्रतिबंध तो हटेगा एकदम से प्रतिबंध नहीं हटेगा। हमने 2022 तक योजना रखा है कि 2022 तक निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के अंदर न रासायनिक खेती न जैविक खेती, हम प्राकृतिक खेती पर जब उतरेंगे तो निश्चित तौर पर ये धीरे धीरे ये चीजें खत्म होता जाएगा, हम एकदम से नहीं कर पाएंगे। हमने मुख्यमंत्री मोदी ने कहा इस साल हमने चाहे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जैसे मैंने पहले कहा ये चीजें बंद कर दिया हमने, परंतु जो है धीरे धीरे 2022 तक हमारा लक्ष्य है कि खत्म होगा। आलू का जो रेट 3000 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है तो उसको कम करने की सरकार की कोई योजना भी, किसानों काफी मांग कर रहे हैं कि आलू का बिजनेस काफी महंगा मिल रहा है इस बार हिमाचल प्रदेश के अंदर। आपने ठीक कहा, ये कृषि विभाग ने हमने 22 तारीख को ही डेट फिक्स मीटिंग फिक्स करी, इसमें हमने 3000 क्विंटल हमने फिक्स किया है, अन्यथा बाजार में जो है इसका रेट जो है बाकी राज्यों के लिए हम 4000 से ऊपर बेच रहे हैं। हमने इसे बढ़ोतरी किया है, मार्केट के हिसाब से हमारा रेट बढ़ता है, इसे मार्केट रेट बहुत ज्यादा है इसे हम रेट बढ़ाया है। तो आलू जब भी फसल होती है यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की बहुत दिक्कत है, उसके लिए भी क्या योजना है? क्योंकि जब सरकार बनी तो उस वक्त आपने घोषणा की हर सब्जी मंडी के साथ एक बनाने का। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने हमने कोल्ड स्टोरेज के लिए बजट का प्रावधान किया है। हम ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है हम सब यहाँ पर हर जगह जो है आपका जो है कोल्ड स्टोर खोलने का प्रावधान रख रहे हैं।